अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पैसर, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और ये बहुत ज़बरदस्त लगती है, बनाने में बेहद आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर हमने 5 अंडे लिए हैं जिनको हमने बॉयल कर लिया है, तो पहले इन्हें हम कट कर लेंगे। पहले हम इनका जो येलो पार्ट है इसे निकाल देंगे। अंडे सारे कट हो चुके हैं, एक बॉल लेंगे और इसमें इनको सबको डाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 1/2 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाल देंगे यहाँ पर हम गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग, 4 टेबल स्पून बेसन लेंगे यहाँ पर, 1 प्यारी लेंगे और इसमें 1 अंडे को फोड़ लेंगे। अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेंगे। पहले हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो अंडा हमने फेंटा था वो इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा रोक कर डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। पैन में यहाँ पर हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लिया है और यहाँ पर इसमें डालते जाएंगे हम, एक एक करके छोटे छोटे गोले बनाते हुए यहाँ पर डाल देंगे। कुछ देर बाद इनको पलट लेंगे जब ये दूसरी साइड से सिकने लगेंगे। बढ़िया सा गोल्डन कलर आने देंगे इसको, इस तरीके से अलटते पलटते रहेंगे जब तक कि इस पर बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आया था। यहाँ पर गैस का फ्लेम एकदम हाई है तो गोल्डन ये अच्छे से हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। गैस के ऊपर एक वोक रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन जो बारीक चॉप किया हुआ है, 2 साबुत लाल मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे यहाँ पर। पहले इनको हल्का सा सोटे करेंगे। करी पत्ता डाल देंगे यहाँ पर, 3 टेबल स्पून यहाँ पर लेंगे टमाटो केचप, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/2 टीस्पून लेंगे यहाँ पर रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जूलियन कट अदरक भी डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर 1 पकौड़ा डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे इसमें। तो मजेदार एक पैसेट बनकर बिल्कुल तैयार है, जो बहुत टेस्टी बना है। ये रेसिपी बहुत जल्दी से बन जाती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।